नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट वेट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी जान रहे हैं, हम लोग एक मुनि फूल का जो है सारी कविताओं को वन बाय वन पढ़ रहे हैं, जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। अभी हम लोग जो है उसी के अगला कविता जो है पढ़वैया छुआ सबके, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार कविताएँ हैं इस बुक में। लोग से भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग खोटा भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना चाहते हैं, जिनको लगता है थोड़ा कम जानते हैं खोटा, खोटा को थोड़ा सा पढ़िए, बहुत मज़ेदार भाषा है इसमें। अगर पढ़िएगा तो आपको फिर बुक बंद करने का मन नहीं करेगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने जब इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता है कि रोज़ एक ना एक कुछ ना कुछ पढ़ूँ, और इसी वजह से पढ़ भी रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो आइए चलिए पढ़वैया छुआ को आज देख लेते हैं। पढ़वैया छुआ सबके, देखिए इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, पढ़ा सुना कर मिली माए बहन, समय और घुरब घुरबे पारभे नए, धन रतन देलूँ तुहीन। कथाएं है टाइम एंड टाइड बेट फॉर नन, बुद्धिमान बलवान अटकावे पारे नए कौन हो जन। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कवि जी कि पढ़ा सुना कीजिए, मेरे माए बहन सब जो भी हैं पढ़ा पढ़िए लिखिए, समय जो है घूम के नहीं आता है, और घूम ये चीज़ जो है धन रतन जो मिला है तो इसको मतलब उपयोग कीजिए और पढ़िए लिखिए। ठीक है, एक कथा में कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट वेट फॉर नॉन। ठीक है, और बुद्धिमान बुद्धिमान बलवान अटकावे पारे नए कोनो जान। ठीक है, अगर आप बुद्धि पढ़े लिख के अगर बुद्धिमान हो जाते हैं तो कोई कितनों भी बलवान रहेगा ना तो भी आपको हरा नहीं सकता है। ठीक समय आवे स्कूल परिस कर डेरे से, टूस टूमे केव के रही न बेसी कलासें। ठीक से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक समय आवे स्कूल परिस कर डेरे से, टूस टूमे केवे कर ही न बेसी कलासें, लाइन बांधी सभी कर आशा आशा जौआ, खेल कूद कर और ठीक समय खौआ। देखिए यहाँ पे अपन क्या बोल रहा है कि ठीक समय पे आप लोग जो है स्कूल आइए। ठीक है, और क्लास में झगड़ा वगड़ा मत कीजिए और लाइन में आया जाया कीजिए लाइन में। देखिए यहाँ पे ऐसा जगह जो है ना, मतलब आया जाया कीजिए लाइन में आकर के, खेलिए कूदिए भी और ठीक समय पे खाना भी खाइए, खेला कूदा और ठीक समय ये खाऊआ, मतलब खेलिए कूदिए भी और ठीक समय पे खाना भी खाइए। अगला देखते हैं, पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माण, जदि होबे चाहे इंसारे ई संसारे महान। ठीक समय ये चूल कटावा रहो न माथाएं झाड़, खेलक मैदाने करिया न लुगा फूटा चीर फाड़। देखिए यहाँ पे बोला गया पढ़ा सुना के, मैं इंडिकेट करता जाता हूँ, पढ़ा सुना संगे कर चरित्र निर्माण, मतलब अपना जो है आपका कैरेक्टर है, आप जो आपका संस्कार है उसका निर्माण कीजिए, निर्माण है यहाँ पे। ठीक है, निर्माण का मतलब निर्माण होगा यहाँ पे, तो निर्माण कीजिए। यदि होवे चाहे इंसान सारे महान, अगर यदि का मतलब होता है अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं इस संसार में महान बनना तो क्या करना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है। ठीक समय चूल कटावा रहो ना माथाएं झाड़, मतलब सही समय, चूल मतलब होता है बाल, सही समय पर बाल कटवा रहे हैं, अब माथा पर जो है फालतू का झाड़ नहीं दिखना चाहिए। खेले के मैदान है करहना लुका फटा चिड़पाट, और जब आप खेल के मैदान में जब खेल रहे हो तो देखिएगा बच्चे सब क्या करता है कि कपड़ा को फाड़छेड़ करता है, तो वो सब फाड़छेड़ नहीं करना है। यदि मास्टर साहब ना आउथुन क्लास, डाकी अनहक उनका फांसी रहत, नए जैसे खैनी के फांसे, रोज रोज करा सभी पूरन होम टास्क, सचेत भाई देख केव जैसे देना फांक। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि मास्टर साहब जो है अगर नहीं आ रहे हैं क्लास, ठीक है, तो उनको डाक का मतलब होता है बुलाने, डाकी डाकना, ठीक है, खोटा में उसको डाकना, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको बुला लाओ रे, तो खोटा में बोला जाता है रे ओकरा डाक रे। ठीक है, तो डाकना का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो इसमें है कि डाकी आनक उनके फांसी रहता है, बुला के लाइए, अगर कहीं कोई काम में फंसे हुए हैं तो उनको बुला के लाइए, ना ही जैसे खैनी के फांसे, जैसे नहीं था कोई मास्टर अगर खैनी उन्हें खा रहा है, अगर उधर इसी बीच में बिजी है तो बुला के लाइए, फिर भी रोज़ रोज़ करा सभी पूरन होम टास्क, सचेत भाई देखा
केव जैसे दिए नफा। ठीक है, आपको रोज़ रोज़ क्या करना है, आपको जो भी टास्क मिलता है क्लास से उसको पूरा करना है और उसमें फाँकीबाजी नहीं करना है, कुछ इसी टाइप का। सचेत भाई देखा केव जैसे दे ना फाँक, थोड़ा नहीं समझ में आया आपको, इसको देख लीजिएगा। टिफिने के समय किछु देहक देहक मुखे, टिफिन के समय किछु देहक मुखे, ईटा सेटा खाए के परहे ना सूखे। अब जो है टिफिन जब होगा तो उस टाइम क्या करना है, कुछ ना कुछ खाना खाना है। ठीक है, फालतू चीज़ खा करके आपको ना शरीर या फिर स्वास्थ्य को बीमार नहीं पड़ना है। स्कूलें छुट्टी के बाद सोचा जा घर हैं, जाए के समय ताखा ना इधर उधर हैं। जैसे ही स्कूल आपको छुट्टी हो जाता है तो एकदम डायरेक्ट क्या करना है, घर जाना है। आपको क्या करना है, जाए के समय इधर उधर कहीं देखना नहीं है, इधर उधर रुकना नहीं है, सही टाइम पर होगा घर पहुँच जाना है। जीवने के उद्देश्य करा यह समय निर्णय, भविष्य उज्ज्वल खातिर न करिया भय। भविष्य यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। जीवन का उद्देश्य करा है, जीवने का उद्देश्य करा है, करा यह समय निर्णय। अगर जीवन में अगर आपको सफल होना है तो इसी समय में आपको क्या करना है, निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, भविष्य ये हो गया आपका भविष्य, भविष्य उज्ज्वल खातिर ना कर है भाई, और भविष्य जो उज्ज्वल होगा उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आराम से डिसीजन लेना है। ठीक है, छात्र के साथ गुण करा अवलंबन, हो तो पूर्ण रह ले एकांत मन। देखिए छात्र का सात गुण होता है, मुझे तो याद नहीं है, मैं एक बार कहीं पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, मैं कोशिश करूँगा जब मुझे पता चले तो आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर किसी को पता है कि छात्र का सात गुण कौन कौन होता है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हो तो पूर्ण रह ले एकांत मन, तो उसमें क्या है कि एकांत में भी रहिएगा तो आपको मतलब आपका मन जो है फ्रेश रहेगा, अगर आप सात गुण आपके अंदर है तो, अगर आप एक छात्र हैं। आगे देखते हैं, माता पिता गुरु बूढ़ा और महत जने, श्रद्धा भक्ति रखिया दिन रात मने। अगर आप माता पिता बूढ़ा और महंत जो है, महंत मतलब क्या है कि साधु वगैरह, ठीक है, अगर वो सब है तो वो सबको क्या करना है, वो सब के प्रति श्रद्धा रखना है दिन रात, माँ बाप गुरु महंत ये सब के प्रति क्या करना है, अपने मन पे श्रद्धा रखना है। मान मर्यादा आयु आढ़त जीवन, जीवन ईटा छाड़ा आर ना कोनो है कि ई भावना। ठीक है, मान मर्यादा आयु, ठीक है, मान मर्यादा अगर आप किसी का कर रहे हैं जीवन में, ईटा छोड़ के कुछ नहीं है भावना, भावना मतलब संसार। ठीक है, संसार में इसमें कुछ नहीं है आपका, अगर मान मर्यादा है तो वही सब कुछ है। आगे देखते हैं, इतना ही है दोस्तों, हम सोच रहे थे और है क्या लेकिन ये इतना ही है। तो आप लोगों को कैसा ये कविता लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ तो मुझे से भी गलतियाँ होंगी, तो उस गलतियों को इग्नोर करते हुए जहाँ उसको सुधार करना मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, और आप लोग भी सीखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है कोठा हम लोग को, मतलब क्या कहा जाए, हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है तो सीखना भी इसको बहुत ज़रूरी है, और सिखाना भी अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।